वेलकम टू एच डी एजुकेशन हब। आज जो है हम लोगों का क्लास रहेगा 15। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि पेज लेआउट क्या होता है और पेज लेआउट में कैसे वर्क करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो है होम के और इंसर्ट क्लास के बारे में जो है जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, तो आज हम लोग देखेंगे कि पेज लेआउट क्या होता है एक्सेल के अंदर और कैसे है ये जो है फंक्शन इनका क्या क्या है। तो सबसे पहले ये हमने शीट वन पे गए और हमारे पास ये रिपोर्ट बना हुआ है, क्लास रिपोर्ट, और हम लोग जो है यहाँ पर पेज लेआउट में जाते हैं। जैसे हम लोग जो है वर्ड्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज लेआउट किए थे, कुछ उस तरह का ही है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंसेज होगा तो वो हम लोग जो है यहाँ से देख सकते हैं। फॉन्ट्स कलर, अगर आप फॉन्ट्स के स्टाइल चेंज करना चाहते तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अंडू कर देता हूँ मैं फिलहाल। उसके बाद पेज लेआउट में अलग अलग मार्जिन होते हैं पेज के लिए, पेज की सेटिंग्स रहते हैं, वो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, वाइड में करना चाहते हैं, नेरो में करना चाहते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग जो है नॉर्मल में ही यूज़ करेंगे। उसके बाद अगला पेज आता है हमारा पेज मार्जिन हो गया, मार्जिन किधर से कितना रखना है। और दूसरा आता है ये पोर्ट्रेट लैंडस्केप, जो है पेपर पेज की साइज़ होती है। पेपर जो हम लोग प्रिंट करते हैं तो दो तरह से प्रिंट होता है, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप, जो कि मैंने पिछले क्लासेज में भी बता चुका हूँ, ठीक है। दूसरा आता है लेटर, जो साइज होते हैं पेपर के अलग अलग होते हैं। कुछ पेज होते हैं लीगल साइज में होते हैं, कुछ A3 में होता है, कुछ A4 में होता है, कुछ A5 में होता है। अलग अलग साइज है जो पेपर होते हैं जिस पे प्रिंट करते हैं हम लोग, उनके ये साइज का नाम है। जिस भी पेज पे आप प्रिंट करेंगे, जो पेपर आपने प्रिंटर में लगाया है, वो उनमें से इनमें से हमें उसे सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद हमें प्रिंट करना होगा, तभी वो मैटर उस पेज के हिसाब से वो प्रिंट होगा। तो नॉर्मल जो पेज रहता है वो A4 का रहता है, तो A4 भी हम लोग जो है सिलेक्ट करते हैं। प्रिंट एरिया, अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कितना प्रिंट एरिया को प्रिंट करना है, तो उतना आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। अगर क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर भी कर सकते हैं। ब्रेक, पेज में आप ब्रेक लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, वैसे इसका कोई ज़्यादा हम लोग जो है यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। तो पेज में आप लोग ब्रेक लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, ऐसे इस तरह से शो करा सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा बैकग्राउंड्स। बैकग्राउंड में अगर आप कोई पिक्चर्स लगाना चाहते हैं, जैसे मैं फ़िलहाल यहाँ पर लेता हूँ, अपना ही फ़ोटो ले लूँ या कोई और फ़ोटो ले लूँ, या फिलहाल यही रहने देते हैं, कोई अच्छा सा यही फ़ोटो पूरे बैकग्राउंड में अगर आप लगाना चाहते हैं, तो इस तरह से ये देखिए पूरे पेज पे जो है हमारा फ़ोटो लग गया बैकग्राउंड में। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे, फिर से पेज लेआउट पे जाएंगे और डिलीट कर देंगे, तो ये डिलीट हो जाएगा। इसमें जो है टाइटल वगैरह अगर आप कुछ लगाना चाहते हैं, ये प्रिंट के कमांड्स होते हैं, प्रिंट में आप हेडर में कुछ लिखना चाहते हैं, मार्जिन कितना सेटिंग करना चाहते हैं, ये सारे जो है आप यूज कर सकते हैं। ओरिजेंटल कितना, वर्टिकल कितना, हेडर में क्या लिखना चाहते हैं, सीट के जो है टाइटल क्या देना चाहते हैं, तो ये जो है प्रिंट्स के कमांड्स है पेज लेआउट के अंदर। बाकी इसका हाइट और विड्थ आप कितना रखना चाहते हो वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से व्यू में ग्रिड लाइन ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पर जा करके, यहाँ से अगर आप ऑन करना चाहते तो ऑन भी कर सकते हैं ग्रिड लाइन पेज लेआउट। हेडर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए ऊपर में, अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो आप इसको हटा भी सकते हैं, जैसे ABCD जो था। तो इसी तरह से प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें जो है। बाकी और इसमें कोई ज़्यादा यूजेबल मुझे नहीं लग रहा है, जो मैं यूजेबल था वो मैंने आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करा दिया हूँ। बाकी अगला ऑप्शन हमारा रहेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला हम लोग जो है अगले क्लासेस में देख लेते हैं कि फॉर्मूला में क्या क्या चीज़ होता है। तो आज का जो क्लास रहेगा हमारा इंसर्ट का, सॉरी पेज लेआउट का, तो यहीं तक रहेगा। और आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है इनको शेयर कीजिए और लाइक्स कीजिए हमारे वीडियोज़ को, और जो है सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो आज के लिए हमारा यहीं तक रहेगा क्लास। थैंक यू।